काउंटडाउन क्लास सिक्स सेकंड एडिशन एक्सरसाइज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सॉरी 11 ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने 10 तक कवर करवाए हुए हैं ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इन 12 ईयर्स अ मैन 12 सालों में एक आदमी विल बी ट्वाइस डबल हो जाएगा दुगना हो जाएगा एज ओल्ड एज ही वाज जितना वो था 12 साल पहले ठीक है, अगो होता है पहले। फाइंड द प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, प्रेजेंट एज हमें नहीं पता उस मैन की, आदमी की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा 12 ईयर्स अगो हिज एज 12 साल पहले उसकी कितनी थी, तो x माइनस 12 कर देना ठीक है। पहले मतलब माइनस कर देना है और बाद में आने वाले आफ्टर में हमने प्लस करना होता है ठीक है। तो 12 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो हमने क्या कर देना है, x माइनस 12 ठीक है। अब भी नहीं, अब की भी नहीं हमें पता ठीक है, और 12 साल पहले तो माइनस 12 आ जाएगा ठीक है। फिर अब आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज ठीक है, 12 ईयर्स के बाद उसकी एज तो क्या आ जाएगा, x प्लस 12 समझ आया। अगो मतलब पहले, 12 साल पहले तो माइनस आ जाएगा, आफ्टर 12 ईयर्स मतलब बाद में, तो x प्लस 12 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि उसकी जो है एज हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर्स अगो जितने वो 12 साल पहले था ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस 2 आ गया ठीक है। अब सिंपली जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, वो x के इक्वल है, हमें पता ही नहीं प्रेजेंट एज क्या है। तो इसमें से हमने अब सारा सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें पता चल जाएगा उस जो आदमी है उसकी एज कितनी है, प्रेजेंट एज ठीक है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ जाएगा, 2 ने से भी मल्टीप्लाई होना, 2 ने से भी, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, माइनस का माइनस 2, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को यहीं पे रहने दें, 2x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। इसी तरह माइनस 24 इधर ही रहेगा, ये प्लस 12 है, इधर आके माइनस 12 हो जाएगा ठीक है। 2x में से x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो 2x के बड़ा है कि x बड़ा है, 2x बड़ा है, साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस होगा, प्लस साइन माइनस का आ जाएगा। 24 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू 36 आ गई ठीक है। x की वैल्यू 36 आ गई तो हम क्या कह देंगे, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 36 के, उसकी प्रेजेंट एज ऑफ मैन या लिख दें ठीक है, या प्रेजेंट एज ही अकेला लिख दें, तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी आ गई, हमारे पास 36 ईयर्स ठीक है, इतने साल का वो है ठीक है। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है।